जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे याकूब का लाबान के पास जाना, और ये हमें देखने को मिलता है उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय की 46वीं आयत से लेकर उत्पत्ति 28वां अध्याय उसकी 5वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति की 46वीं आयत से लेकर उत्पत्ति की 28वां जो अध्याय है उसकी 5वीं आयत तक। ये जो हम पढ़ रहे हैं 27वें अध्याय को क्रॉस करके 22वें अध्याय तक, यहाँ पर हम देखेंगे याकूब का लाबान के पास जाना। और यहाँ पर हमने देखा था कि रिबका ने अपने बेटे से कहा था, याकूब से, कि तेरा भाई है वो तुझे मारना चाहता है, लेकिन वो धैर्य का इंतजार कर रहा है, तेरे पिता जो बूढ़ा हो गया उसके मरने का इंतजार कर रहा है, इसलिए तू ऐसा कर जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता तू अपने मामा के पास चला जा, जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुझे मैसेज भिजवा दूंगी, व्हाट्सएप कर दूंगी, और तू वहां से फिर वापिस आ जाना। अब ये बात रिबका ने अपने बेटे याकूब को समझा दी, लेकिन वो उसको अभी भेज नहीं रही है। अभी उसको भेजने के लिए वो थोड़ा सा और बात को थोड़ा सा लाइट वेट बनाने के लिए सबको ये लगे कि जो याकूब है वो यहाँ से भेजा गया है, भाग कर नहीं जा रहा है, इसलिए वो अपने पति से इस विषय में, उसको भेजने के विषय में एक दूसरी बात के द्वारा है वो जिक्र करती है। क्या जिक्र करती है ये हम देखते हैं। याकूब का लाबान के पास जाना 46वीं आयत कहती है 27वीं अध्याय की। फिर रिबका ने इसहाक से कहा, रिबका ने अपने पति इसहाक से कहा, रिबका है वो याकूब और एसाव की माँ है, और इसहाक इनका पिता है, और इसहाक है उसका पिता कौन है ये आप जानते हैं, अय्यूब है। हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घृणा करती हूँ, रिबका ने कहा कि हित्ती बना, तो रिबका कह रही है अपने पति के जो हित्ती लड़कियां के कारण मैं अपने प्राण से घृणा करती हूँ, मुझे ये हित्ती लड़कियां जो यहाँ पर घूमती फिरती देखती हूँ बैड कैरेक्टर की, इसके कारण मुझे बहुत ही बुरा फील होता है, इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश में लड़कियां याकूब भी एक कहीं से कहीं विवाह कर ले तो मेरे जीवन में क्या रहेगा। बड़े ही अच्छे तरीके से ये बताती है कि जो इतनी लड़कियां वो बड़ी गंदी है, मुझे पसंद नहीं है, और अपने लड़के जवान हैं जो याकूब ऐसी लड़कियों से किसी से जो शादी शुदी कर लेगा तो फिर बताओ अपने तो जीवन का जो सारा रंग है वो खत्म हो जाएगा, ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। तो तब इसहाक है रिबका की बात सुनकर क्या कहता है, तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया। फिर इसहाक कहता है कोई बात नहीं मैं बात करता हूँ, और अपने लड़के याकूब को बुलाता है और उसको आशीर्वाद देता है और कहता है तू किसी कनानी लड़की से विवाह न करना। अपने बेटे को समझाते हुए कहता है कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना, पदनरा में अपने नाना बतुएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की बेटी से विवाह कर लेना। और यहाँ पर है वो इसहाक भी अपने लड़के को कहता है कि अपने मामा के गांव जाओ, अपने नाना के घर जाओ, वहां पर तेरे मामा की लड़की है, वहां जाके तू अपने लिए लड़की लाना और वहां तू विवाह करना, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे। में कहते हैं 28वें अध्याय की, सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलमंत करके बढ़ाए, और तू राजा राजा की मंडली का मूल हो, और वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है और जिससे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पदनराम को अरामी बतुअल के पुत्र लाबान के पास चला जो याकूब और एसाव की माता का भाई है। और इस प्रकार से देखते हैं कि किस प्रकार से जो याकूब की माता रिबका ने अपने पति से सिफारिश लगा के उसको बड़े ही प्यार से है वो अपने मामा के गांव भेज दिया, और किसी को शक भी नहीं हुआ कि ये अपने भाई एसाव से बचने के लिए गया है। सबको जय मसीह।